हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और दिस इज़ अमीशा कठेरिया इन फ्रंट ऑफ यू आई होप आल विल बी फाइन गाइज़ प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे जो सी बी एस ई बोर्ड के टर्म सेकंड में आएंगे आप लोग के डेफिनेटली तो वो मैंने आप लोग को उसका लिस्ट प्रोवाइड कराई थी ठीक है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे आज मैं उसके आंसर्स कराऊंगी तो लाइट सी इसका जो आंसर्स है हम देखेंगे इसमें ठीक है तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे

उनको न्याय दिलाने का था ड्यूरिंग दियल उनके स्ट्रगल के दौरान गांधी जी मेक दुअर इलिटरेट <coughs> गांधी जी ने पुअर को इलिटरेट पीजेंट को रियलाइज करवाया दैट देस उनके पास भी अपने कुछ राइट थे ही वॉन्टेड टू बिकम सेल्फ रिलायंट वह उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे जिससे कि वो अपने पैरों पर पे खुद खड़े हो पाए और अपने राइट्स के लिए लड़ें <coughs> गांधी जी एम वॉज टू तो मोल्ड द इंडियन इन सच अवे गांधी जी का जो एम था वो इंडियन को ऐसे ऐसे चीजों में ढालना था मोल्ड करना था इन सच अवे इस तरीके से सो दैट दे कोड स्टैंड ऑन देअर ओन फी जिससे कि वो अपने पैरों पर पे खड़े हो जाए एंड मेक इंडिया फ्री और इंडिया को फ्री बनाएं ही फेल दैट ही दिस वॉज पॉसिबल ये उन्होंने सोचा ये तभी पॉसिबल है जब कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस रिमूव हो पाए चंपारण के गाँव से है ना अगर हमारे जो चंपारण के गाँव से सोशल बैकवर्डनेस और कल्चरल सारी चीज़ें जो है रिमूव हो जाएंगी तभी पॉसिबल है कि जो लोग हैं वो समझ पाएंगे कि उनके भी कुछ राइट्स हैं वो सेल्फ लाइन बन पाएंगे और अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे ठीक है इसका भी नेक्स्ट आंसर भी है क्योंकि इस लॉन्ग में है तो फटाफट से स्पेस कम होने की वजह से इतनी लिख पाई नेक्स्ट लिखवाएंगे जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा फिर नेक्स्ट इसी का भी शुरू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट है देअर फोर आफ्टर अचीविंग विक्ट्री फॉर द चंपारण शेयर क्रॉपर्स इसीलिए जब विक्ट्री यानी कि जीत हासिल करने के बाद फॉर द चंपारण शेयर क्रॉपर्स से जीत हासिल करने के बाद गांधी जी स्टेड ऑन टू एलिट एलिविएट रियर सफरिंग्स गांधी जी, जी चंपारण में ही स्टे किया उन्होंने उनकी सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए दुखों को दूर करने के लिए ही स्टार्टेड स्कूल्स इन सिक्स डिफरेंट विलेजेस उन्होंने सिक्स डिफरेंट विलेजेस में छह डिफरेंट गाँव में उन्होंने स्कूल शुरू किया एंड क्लिनिक्स शुरू किया हिज डिसीवल्स उनके जो शिष्य थे वाइफ थी एंड सन्स उनके जो बेटे थे एंड मैनी अदर्स और बहुत सारे वॉल लोग जो थे वॉलेंटियर टू हेल्प यू सभी लोग हेल्प करना चाहते थे मिसेज गांधी टॉर्ड आश्रम मिसेज गांधी जी जो थी यानी कि जो गांधी जी की वाइफ थी उन्होंने आश्रम को रूल सिखाए ऑन पर्सनल क्लीनिंग नेस यानी कि कैसे हाइजीन की प्रॉपर मतलब जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं एंड कम्युनिटी सैनिटेशन और जो सोसाइटी नेबरहुड की जो प्रॉब्लम्स है गंदगी है उसको कैसे दूर कर सकते हैं उन्होंने इसके ऊपर रूल्स सिखाए ठीक है तो इंपॉर्टेंट आंसर था फटाफट से इसका स्क्रीन ले लीजिएगा और हमारे नेक्स्ट आंसर हम करेंगे अगले वीडियो में ठीक है तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कल मिलेंगे ओके okay? और इसको लर्न करना शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही आंसर था ये